क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के रूप में ही अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीता। क्रिकेट इतिहास में T20 वर्ल्ड कप अब तक 7 बार खेला जा चुका है, जिसमें एक बार इंग्लैंड की टीम ने भी बाजी मारी है। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में कुल 38 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 19 में जीत और 18 मुकाबलों में उसे हार मिली है, जबकि एक मैच टाई रहा है। इस बार भी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम मजबूत दावेदार है। तो आइए फिर नजर डालते हैं इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप के सफर पर। वर्ल्ड कप 2007, पॉल कोलिंगवुड की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम पहले T20 वर्ल्ड कप 2007 में उतरी थी और इंग्लैंड ने अपने पहले मुकाबले में ही जिम्बाब्वे को 50 रनों से करारी शिकस्त दी थी। लेकिन इसके बाद खेले गए अन्य मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया से हारकर उसे ग्रुप लीग में ही अपना सफर खत्म करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2007 इंडिया ने जीता था। वर्ल्ड कप 2009, T20 वर्ल्ड कप 2009 इंग्लैंड में ही आयोजित किया गया था। पॉल कोलिंगवुड की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड को नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम के हाथों 4 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान को तो हराया, लेकिन वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से हारकर उसे T20 वर्ल्ड कप 2009 से बाहर होना पड़ा। ये वर्ल्ड कप 2009 पाकिस्तान ने जीता। वर्ल्ड कप 2010, वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2010 को इंग्लैंड की टीम ने जीता था। इस जीत के बाद इंग्लैंड के माथे पर हमेशा से ही आईसीसी टूर्नामेंट ना जीतने का कलंक भी धुल गया। इंग्लैंड ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इंग्लैंड की इस वर्ल्ड कप में शुरुआत खराब रही थी। उसे अपने पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज के हाथों 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर आयरलैंड के खिलाफ उसका दूसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। इसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। T20 वर्ल्ड कप 2010 के हीरो केविन पीटरसन रहे थे। वर्ल्ड कप 2012, ये वर्ल्ड कप श्रीलंका में आयोजित किया गया। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम स्टुअर्ट ब्रॉड की कप्तानी में मैदान पर उतरी। ग्रुप स्टेज में जहां उसे भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा, वहीं सुपर 8 में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के हाथों हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। T20 वर्ल्ड कप 2012 वेस्ट इंडीज ने जीता। वर्ल्ड कप 2014, स्टुअर्ट ब्रॉड की ही कप्तानी में इंग्लैंड एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप 2014 में उतरी। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड की टीम को न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कमजोर मानी जा रही नीदरलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2014 श्रीलंका ने जीता। वर्ल्ड कप 2016, T20 वर्ल्ड कप 2016 भारत में खेला गया। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम इयोन मॉर्गन की कप्तानी में मैदान पर उतरी। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड के लिए खास रहा और इंग्लैंड की टीम ने इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल तक का सफर तय किया। लेकिन फाइनल मुकाबले में उसे वेस्टइंडीज के हाथों 4 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2021, T20 वर्ल्ड कप 2021 UAE में खेला गया। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड मॉर्गन की कप्तानी में मैदान पर उतरा। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और उसने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। इसने अपने लीग मैच में वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में उसे न्यूजीलैंड से करारी हार का सामना करना पड़ा। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप का सफर। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का